Hello students, hello friends. Today I will discuss some important questions in the lesson The French Revolution, where I will discuss the questions especially from the paintings, pictures or the images which are given in the lesson. That is very very important. Mostly this type of the questions which are based on the image or the pictures mostly are ignored by the students. So I have decided to bring some questions which can be formed from the sections, and that can be very very helpful for your bringing the good marks. And you will see the question only, and I will also provide the answers in the descriptions in the video. Theek hai na student? So you will see these questions very very carefully as I have framed the questions, as you will get the answer. And you will also see the images with the relation of the questions. That will help you to understand well. और ये जो पिक्चर जो मैं आपको दूंगा वो आपकी हेल्प करेंगी किस तरीके से क्वेश्चन जो है उन पिक्चर से रिलेटेड है और आप किस तरीके से इनको मतलब आंसर ढूंढ पाएंगे इनके. ठीक है ना? तो केवल मैं पिक्चर ही आपको दिखाऊंगा, बाकी जो क्योंकि मोस्टली इसमें जो आंसर हैं वो केवल आर्टिस्ट या पेंटर्स को लेके ही पूछे गए हैं. क्योंकि जो इस साल का पैटर्न है, जो टर्म फर्स्ट का पैटर्न है, वो पूरी तरीके से मतलब बुक्स के ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब थारोली बुक्स की स्टडी होने के बाद ही ये सारी चीज़ें आपके सामने आ पाएंगी. ठीक है ना स्टूडेंट? तो मैं एक ही करके क्वेश्चन पढ़ ले लेता हूँ, और जो भी आपके क्वेश्चन को रिलेटेड आंसर है वो आप इसमें देख पाएंगे अच्छी तरीके से. जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हु प्रिपेयर्ड द प्रिंट डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ठीक है ना स्टूडेंट? जो ये क्वेश्चन है ये पहला है, हु प्रिपेयर्ड द प्रिंट डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. एक्चुअली जो ये है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये उसे पेंटिंग का नाम है जो कि उस आर्टिस्ट के द्वारा दिया गया था. ठीक है ना? तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता अपना. दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु क्रिटिसाइज द नोशन ऑफ द कॉमन लैंग्वेज रेस रिलीजन. ठीक है ना स्टूडेंट? रिलीजन और टेरिटरी ऑफ फॉर्मिंग ए नेशन इन हिज एसे क्वेस्ट सी क्वेन नेशन. यानी कि जो ये क्वेश्चन है ये पिक्चर से रिलेटेड नहीं है. फिलहाल जो बॉक्सेस हैं, जो सोर्सेज हैं, उनसे लिया गया क्वेश्चन है ये. उसमें आपको ये बताना है कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उस व्यक्ति के लिए, उसे फिलोसोफर के लिए, उसे इंटेलेक्चुअल पर्सन के लिए, जिसमें कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो नेशन है उसका आधार कॉमन लैंग्वेज रेस रिलीजन ये टेरिटरी नहीं हो सकते हैं, बल्कि उसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है जो कि उन्होंने आगे चल के बोर्ड लेटर में दिखाई है उस सोर्सेज में, प्लेबिसाइट. ठीक है ना स्टूडेंट? प्लेबिसाइट का मतलब एक प्रकार का प्रपोजल होता है, रिजेक्शन का या एक्सेप्टेंस का, जिसमें मतलब लोगों की राय मांगी जाती है, जिसको कि आप लोग आजकल मॉडर्न टाइम में रेफरेंडम के रूप में जानते हैं, कि जहाँ पर एक प्रकार का ये प्रोसीजर होता है डायरेक्ट वोटिंग का, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी पार्ट माना जाता है. आपको उस फिलोसफर का नाम बताना है. ठीक है ना? उससे प्रोफेसर का नाम बताना है. ठीक है ना? फ्रांस का ही ये मतलब प्रोफेसर हैं, जो कि एक उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी है जिसमें वो काम करते हैं, सॉर्बन यूनिवर्सिटी. ठीक है ना? तो आपको ये बताना है. मैंने आपको इतना बता दिया तो शायद आपको दिमाग में आ जाएगा. इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु प्रिपेयर्ड द स्टॉर्मिंग फॉर ट्रेस इमेज इन द कवर ऑफ जर्मन एलिमिनेट ऑफ द जर्मन प्रोविंस कैजल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्पोटिक रूल इन 1798. एक प्रकार का ये पेंटिंग है, इसमें उन्होंने जो बास्टाइल का फोर्ट्रेस जो पैलेस था उसको उन्होंने दिखाया है, और साथ में ही एक दूसरी जो इमेज है उस पेंटिंग में. ठीक है ना? कहाँ की इमेज है ये? जो कैजल है, जो प्रोविंस कहाँ का, जर्मन का, उसकी भी इमेज को उन्होंने साथ में बास्टाइल के पैलेस के साथ इन्होंने दिखाया है. इसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि 10 साल बाद
जर्मनी में भी इस प्रकार का जो मतलब स्टॉर्मिंग हुआ था फोर्ट्रेस पैलेस का, ठीक है ना। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जर्मनी के लोग भी अब ये समझ चुके थे कि जो डिस्पोटिक रूल है उस राजा का, क्रूर रूलर का, उसका अंत होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एक प्रकार का ये तरीका है अपनी पेंटिंग को दिखाने का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेम द आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड द प्रिंट ऑफ जर्मन हु प्रिपेयर्ड द प्रिंट ऑफ फाउंडिंग सीक्रेट सोसाइटी यंग यूरोपियन बर्न 1833 बाई जीसेप मेजिन। इस पेंटिंग में आपको ये दिखाना है, मतलब जो उस आर्टिस्ट का नाम पूछा गया है कि इन्होंने जो ये प्रिंट तैयार की है जिसमें जो जीसेप मेजिनी है वो एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि यंग यूरोप के नाम से जानी जाती है बर्न में 1833 में, उसको वो वहाँ पर उसकी फाउंडेशन कर रहे हैं, उसकी उसको वहाँ पर फाउंड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वहाँ पर स्थापना कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसे। तो आपको उस आर्टिस्ट का नाम बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हु हैड सॉट टू अपील टू द इमोशन ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट है जिसके लिए पूछा गया है क्वेश्चन कि उसने जो ये यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई है, पेंटिंग का नाम क्या है, द मैसेकर एट चियोस, ठीक है ना। ये पेंटिंग 1824 में बनी थी, जहाँ पर इस पेंटिंग में वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं टू द इमोशन ऑफ स्पेक्टेटर्स, जो ये देखने वाले दर्शक हैं उनसे, है ना, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं टू द इमोशन, यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं किनके, स्पेक्टेटर्स की, और एक प्रकार से उनसे सिंपैथी लेना चाहते हैं इस प्रकार की अपील करके, इमोशनल अपील करके वो उनसे क्या लेना चाहते हैं, सिंपैथी उनसे इकट्ठी करने करना चाहते हैं, ठीक है ना, इस पेंटिंग के द्वारा, जिसमें कि जो ग्रीक्स लोगों का वो समर्थन प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। तो ये ऐसी बहुत सी, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं हम लोग इसको कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में देख सकते हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ठीक है ना, जो कि उन्होंने थर्ड लेसन में भी इस चीज़ को पढ़ा था अच्छी तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हु कम्प्लीटेड एंड प्रेजेंटेड द मोन्यूमेंटल वर्क, यानी कि किस व्यक्ति ने, उस आर्टिस्ट का नाम बताना है जिसने पूर्ण किया अपना वो मोन्यूमेंटल वर्क और प्रेजेंट किया, भेंट किया उसे। इसका नाम क्या था, द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मीरा एट वर्साइल्स ऑन द 17th बर्थडे ऑफ बिस्मार्क इन 1885, यानी कि जो बिस्मार्क के, ओटोमन बिस्मार्क के 17th बर्थडे, जो कि बाद में आने वाला था 1885 में, उन्होंने जो ये मोन्यूमेंटल वर्क तैयार किया था, एक बहुत बड़ा एक मतलब डिज़ाइन पिक्चर तैयार की थी उन्होंने फ्रेम में, जिसको कि उन्होंने मतलब 1885 में ही तैयार कर लिया था और उसको उनको देना था, देना भेंट करना था उसे, ठीक है। और जो ये पिक्चर है उसका नाम ये लिखा हुआ है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, हु वाज कमीशन्ड, यानी कि किसको इस काम के लिए लगाया गया था, किस काम के लिए, पेंट करने के लिए, इमेज इमेज यानी कि उस चित्र को किसको, मतलब जिस आर्टिस्ट ने इस इमेज को मतलब पेंट किया था उसका नाम आपको बताना है, उसको कमीशन पे रखा गया था, ठीक है ना, जिसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि जर्मनिया है, जर्मेनिया का मतलब होता है एलिगोरी, पर्सोनिफिकेशन है ये, जिसमें वो भारत माता की तरीके से ही इनको माना गया है, ठीक है ना। जर्मनी की जो एलिगोरी है, पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि जो इमेज है कंट्री की एक पर्सन के रूप में, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, जर्मेनिया। वहाँ पर वो राइन, राइन का मतलब होता है रिवर, ठीक है ना, राइन रिवर्स पे वो स्वॉर्ड पकड़े पकड़ के उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, उसकी डिफेंड कर रही है एक तरीके से। 1860 में ये इमेज बनी थी, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की थी कि जो एलिगोरी है, जो पर्सोनिफिकेशन है, जो पर्सन है ना, जिसको कंट्री के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, वो किस तरीके से मतलब अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुल मिला के लोगों से इसको एसोसिएट कर दिया जाता है। तो होप स्टूडेंट आपके साथ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में मैं इनसे रिलेटेड जो पिक्चर है वो भी पोस्ट करूँगा, तो शायद आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग अब जो सिलसिला है इसका, जो ये क्वेश्चंस हैं इनका बराबर मैं कंटिन्यू रखूँगा, पहले हिस्ट्री ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास काफ़ी समय है अभी, और बराबर ये वीडियो आपके डेली आते रहेंगे, एक दो वीडियो डेली मैं निकालूंगा जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं उन पोर्शन को ले रहा हूँ जिन पोर्शन को
मतलब बहुत कम टच किया गया, अनटच रह जाते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।